हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। बाबूलाल, वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, आरजू, इस वक्त मैं झोटवाड़ा पंचायत समिति में हूं, जहां पर आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां के विधायक और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभाल रखी है और इस वक्त ये हिम्मतपुरा गांव में है, जहां पर लोगों से, मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लालचंद जी, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस जीत रही है? क्या माहौल देखा आपने जनता के बीच में? ये झोटवाड़ा पंचायत समिति का हिस्सा है और निश्चित तौर पर जितने भी वार्ड हैं यहाँ पंचायत समिति की, उसमें कांग्रेस विजयी होगी। प्रधान पहले भी हमारा था और इस बार भी प्रधान कांग्रेस पार्टी का बनेगा। जिला परिषद की सीट में भी हम भारी बढ़त के साथ में चल रहे हैं। लोगों में भारी उत्साह है और किसानों में रोष भी है, किसान आंदोलनकार इसका। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिन्होंने वादे किए, केंद्र की सरकार है, इसके प्रति जो लोगों का आक्रोश है, चाहे वो महंगाई हो, रसोई गैस की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, आम आदमी बुरी तरह से प्रभावित है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को विजय मिलेगी। कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगे हुए हैं, हमारे सभी प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या गुस्सा महसूस किया आपने जनता का? बीजेपी तो कह रही कि मोदी सरकार की जो योजना है उनका बहुत अच्छा असर है। क्या आप इलाके में घूम रहे हैं, कहीं आपको दिखा कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा है जो कांग्रेस को वोटों के रूप में तब्दील हो जाएगा? देखिए, ये बात आप मेरे से नहीं पूछ कर, यहाँ जितने किसान बैठे हैं आप इनसे पूछें, इनसे ले। मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं रहेगा। जितना आक्रोश यहाँ है आप इनको खुद को पूछ सकते हो। इनको एक एक चीज का पता है कि यूरिया के दामों में क्या हुआ, पेट्रोल डीजल में क्या हुआ, रसोई गैस का क्या हुआ, नौकरियों का क्या हुआ। जो नौजवान पढ़ी लिखी पीढ़ी है उसको जो आश्वासन मिला था कि इतनी नौकरियां मिलेगी, उसका क्या हुआ? तो जनता बुरी तरह त्रस्त है और आप इनसे खुद पूछ सकते हैं, गांव के लोगों से, कि आज किस प्रकार का माहौल है। 2 साल हो गए अशोक गहलोत जी की सरकार को बने हुए, क्या लगता है आपको कहीं कोई एंटी इनकमेंसी नहीं है धरातल पर? अशोक गहलोत जी को लोग बहुत पसंद करते हैं और ये जो तमाम किसान है, एक बार फिर से गांव की सरकार बनाने में, जिला प्रमुख बनाने में और प्रधान बनाने में फिर से कांग्रेस को चुनेंगे, आपने क्या महसूस किया? क्या एंटी इनकमेंसी नहीं है कहीं धरातल पर? कहीं एंटी इनकमेंसी नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार के जितने कार्यक्रम और जो कोरोना काल में जो प्रबंधन रहा, उसी का तो नतीजा है आज गाँव के लोग कांग्रेस के साथ और पूरे तन मन पूरे मनोयोग से लगे हुए। दावा क्या आपका झोटवाड़ा पंचायत समिति में और जिला परिषद में कितने वार्ड जीतने वाली है कांग्रेस? झोटवाड़ा विधानसभा में 2 पंचायत समितियां हैं, एक झोटवाड़ा और एक जोबनेर, दोनों में कांग्रेस जीतेगी, दोनों में कांग्रेस के प्रधान बनेगी और उसी के साथ में हमारी जो जिला परिषद की सीटें हैं वो भी कांग्रेस जीतेगी। आप ग्रामीणों के बीच में हैं, क्या लगता है कि थोड़ा समझाना मुश्किल होता है गांव के मतदाता को? कई लोग रूठ जाते हैं तो उन्हें मनाने के लिए मंत्री जी को बहुत कोशिश करनी पड़ रही है? नहीं नहीं, ये सब अपने लोग हैं, मैं पहले से लगातार इनके बीच में रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब किसान परिवारों के लोग हैं, हमारी ये छोटी छोटी बैठकें इसी तरह चलती रहती है। आप धूमधड़ाका नहीं करते, बड़े जुलूस नहीं निकालते, क्या एक अलग स्ट्रेटेजी है चुनाव जीतने की? नहीं, धूमधड़ाका हमने पहले भी नहीं किया, हमारे कार्यकर्ता गाँव के हैं, किसान परिवारों के लोग हैं, सब बुलाते हैं, सब जगह बैठ के बात होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरजू, ये है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है जयपुर की जिला परिषद पर भी काबिज होगी और झोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र की 2 पंचायत समितियां वहां पर भी प्रधान उनके बनेंगे। लालचंद कटारिया ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है, सभी उम्मीदवारों के पक्ष में जाकर के अपील कर रहे हैं उन्हें जिताने की। आज शाम तक चुनाव प्रचार चलेगा, उसके बाद में डोर टू डोर संपर्क होगा। तो कुल बाबूलाल, दौसा से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई थी, लोग लोकगीत गाकर अपने मतदाताओं को रिझा रहे हैं प्रत्याशी, झोटवाड़ा में ऐसा कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल, गांव-गांव में यही नजारे हैं क्योंकि लोकतंत्र का उत्सव है, पंचायत समिति, प्रधान, जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। सब लोग जो है, बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो इन चुनावों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, गाते हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान से एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, रातों की नींद गायब कर देते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि जिस उम्मीदवार के वो पक्ष में खड़े होते हैं आखिर तक उसके साथ डटे रहते हैं। तो इस चुनाव में भी यही नजारा है, हालांकि सरपंचों के चुनाव हो गए हैं, सबसे ज्यादा जो सक्रिय भागीदारी होती है वो सरपंच के चुनाव में होती है, लेकिन इस बार क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अलग अलग हो रहे हैं, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं तो इनमें भी इस बार बहुत ज्यादा भागीदारी आम जनता की देखी जा रही है, मतदाताओं की देखी जा रही है और यही भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। और
गांव का मतदाता जब चुनाव होंगे यानी परसों जब वोट डाले जाएंगे तो आपको लंबी लंबी कतारें दिखेंगी और लोग अपनी बारी का इंतजार करते देखे जाएंगे। लाल, अगर झोटवाड़ा की हम बात करें, झोटवाड़ा पंचायत की, तो वहां के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, बेसिक नीड्स मतदाताओं की क्या रहेंगे? जी देखिए, झोटवाड़ा पंचायत समिति का बहुत सारा हिस्सा जो अब शहर में आ गया है, लेकिन ग्राम पंचायतें अब भी वहां पर हैं। वहां पर पानी की समस्या है, सफाई की जो है समस्या है, गांव कहीं एलिवेटेड रोड, कहीं अंडरपास, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको दूर करने की कोशिश करी है कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने, वहां के विधायक रहते हुए। तो इनका दावा है कि हर हाल में यहां पर जो है कांग्रेस काबिज होगी बोर्ड के ऊपर, जिला परिषद की जो तमाम सीटें हैं वो फिर से जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है झोटवाड़ा में कांग्रेस का ही प्रधान बना था और लालचंद कटारिया को इस बार भी उम्मीद है कि जनता उन्हें निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो आम जनता के बीच में रहते हैं, लोगों को उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने खेत में मिल जाते हैं सुबह सुबह, तमाम लोग जो है उनके पास में आके अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। तो उनको उम्मीद है कि उन्होंने जो डेवलपमेंट कराया पिछले 2 साल में उसका असर धरातल पर दिखेगा, आम जनता जब वोट करने जाएगी तो विकास का मुद्दा हावी रहेगा और जनता सरकार के साथ चलेगी, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है तब ही जनता जो है सरकार के साथ जुड़ती है। शुक्रिया बाबूलाल, सरकार को उम्मीद है और इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम बात करेंगे दौसा के दंगल की, जिला प्रमुख और 11 पंचायत प्रधान की जंग के लिए चुनाव होने हैं। और कोई जनता ने मांगो मुंह तोड़ जवाब देनो जे, और कांग्रेस ने बहुत भारी वोट समय आगो जे और बहुत भारी वो मशहूर जितानो जे। आप सब जानते हो कि राजस्थान में जिलों में 6 जिलों में क्या चुनाव हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा उम्मीदवार आसीन होंगे, तो जब तक पूरा आशीर्वाद समर्थन हमारे उम्मीदवार को मिलेगा। अब बात करेंगे दौसा के दंगल के, जिला